मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। उपस्थित भाइयों, जैसा कि हमारे नौजवान भाई ने कहा कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम के साथ साजिश की जा रही है, इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है। मैं भी इस दुष्प्रचार से प्रभावित था और मैंने किताब लिखी इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के नाम से। ये मुंबई से प्रकाशित हुआ, जिसे श्री बाला साहब ठाकरे ने रिलीज किया था। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि इस दुनिया में 100 करोड़ से ऊपर मुसलमानों की तादाद है, और अगर इस्लाम में कोई आतंक होता तो मैं समझता हूं कि 100 करोड़ लोग उसके अनुयायी न होते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने समझने में गलती की है। मैंने फिर से इस्लाम का मुताला किया, अच्छी तरह मैंने उसका अध्ययन किया, तो मैंने पाया कि कुरान मजीद की जिन आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था, जिन आयतों में मुझे आतंकवाद दिखाई दिया था, वो आयतें आतंकवाद का विरोध करने के लिए आई। ये मुझे तब पता चला जब मैंने इस्लाम को शुद्ध मन और शुद्ध तन से पढ़ा। अगर ईश्वरी किताब को आप शुद्ध तन और शुद्ध मन से नहीं देखते तो आपको उसकी सच्चाई पता नहीं चल सकती। जब मैंने अपने मन को शुद्ध किया तो मुझे अपने आप पता चला कि कुरान मजीद की आयत का सही मतलब तभी पता चल सकता है जब यह आपको मालूम हो कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में उतरी। अगर आप ये नहीं जानते कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में उतरी तो आयत का सही मतलब समझ नहीं सकते। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी यानी आपकी सीरत पढ़ने के बाद मुझे ये रास्ता दिखाई दिया और मैंने इस्लाम को सही माने में समझा। कुरान मजीद की जिन आयतों को मैंने इस आतंकवाद से जोड़ा और इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास लिखा, वो एक गलत संदेश पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में गया। उसका विरोध करने के लिए, किताब का खंडन किताब से करने के लिए मैंने एक दूसरी किताब लिखा, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं आदर्श है। अब हम अपने हिंदू भाइयों को बताएं कि इस्लाम में जो ये आतंकवाद की ये जो बात आई, ये कैसे आई। बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है, आज हमारे पूरे मुल्क में एक गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, वो बच्चों के मन में वो बैठ जाता है कि इस जो मुस्लिम इतिहास है, यहाँ बादशाह आए, यहाँ मुसलमान जो अरब से आए उन्होंने क्या किया, कैसे किया, मुस्लिम बादशाहों ने किस तरीके से हुकूमत की। ये जो बच्चों के मन में जो ये बैठाया जाता है गलत इतिहास पढ़ा करके, उससे इस्लाम के लिए नेगेटिव चीज बच्चों के मन में जाती है। और यही बात मेरे मन में भी गई। कुछ मुसलमान भाइयों का नादानी से जो अखलाक, नादानी भरा अखलाक होता है, ये भी इसमें शामिल होता है, जिससे गलत मैसेज जाता है। हमने अपने जो किताब में जिन चीजों को दिया वो इसी गलत मैसेज की वजह से दिया। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों को, खास तौर से नौजवानों को, ये मैं बताऊंगा कि जोश में आकर के कोई ऐसा काम ना करे जिससे मैसेज गलत जाए। अगर इस्लाम की सच्चाई को, इस्लाम में जो आयतें
दहशतगर्दी से जोड़ी जाती हैं, उन आयतों को अगर आप सही माने में देखें, हम अपने हिंदू भाइयों से कह रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अन्याय अत्याचार का विरोध करने के लिए ईश्वर के आदेश आए, उसी तरीके से हैं। जैसे इसको समझने के लिए हम थोड़ी देर के लिए महाभारत के युद्ध की ओर चलते हैं। जब कौरवों ने अधर्म के को का साथ लेकर के अधर्म को लेकर के पांडवों का राज हड़प लिया और उनके साथ अन्याय किया, इस अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए बातचीत के जब सारे प्रयास विफल हो गए, उस समय एक ही रास्ता बचा, वो था युद्ध का। युद्ध रोकने के लिए, जंग रोकने के लिए आखिरी बातचीत का सिलसिला जारी किया गया और उसमें कहा गया कि कौरव अगर पांडवों को, पांच पांडव हैं, पांच गांव ही दे दें तो ये जंग रोकी जा सकती है। लेकिन कौरवों ने कहा कि पांच गांव तो दूर, सुई की नोक के बराबर भी अगर जमीन लेनी है तो जंग करनी पड़ेगी। और जब सारी बातचीत के रास्ते बंद हो गए, एक ही रास्ता जंग का बचा, तब धर्मयुद्ध शुरू हुआ। और उस धर्मयुद्ध के लिए जब सेनाएं, दो कौरवों पांडवों की सेनाएं आमने सामने आ गईं, तो अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? उसने देखा हमारे सामने हमारे ही भाई, हमारे ही दोस्त, हमारे ही गुरु, हमारे ही दादे परदादे सब बैठ खड़े हुए हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं। उसने जब युद्ध से इनकार कर दिया, तब अल्लाह यानी परमेश्वर की तरफ से आदेश आया, यदृच्छया चोपमन्नम स्वर्ग द्वारम बावृतम सुखिना क्षत्रिया पात लभन्ते युद्ध मीदृशम। अय अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे के समान इस तरीके की जंग को किस्मत वाले लड़ाके ही पाते हैं। अच्छे त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस जिहाद को, यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो अपने यश और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। और इस तरीके से युद्ध की शुरुआत, धर्म युद्ध की शुरुआत हुई। किसके लिए हुई? असत्य, अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद को रोकने के लिए। जब बातचीत के रास्ते सब बंद हो चुके थे, लड़ाई जंग ही एकमात्र रास्ता बचा था, इसीलिए इसको धर्म युद्ध कहा गया। इसी तरीके से मक्का में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाह इल्लल्लाह यानी परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, संसार के इस सबसे बड़े सत्य को, सार्वभौमिक सत्य को, यूनिवर्सल ट्रुथ को जब बता रहे थे, उस समय कुरैश ने यानी अत्याचारियों ने, अन्यायियों ने आप तरह तरह के अत्याचार करने शुरू किए, इस सत्य को रोकने का प्रयास किया। मुसलमानों को ही नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। उस समय आपके अनुयायियों को यानी मुसलमानों को भूखा प्यासा नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया। और ये अत्याचार एक साल, दो साल, तीन साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। सारी दुनिया में इससे बड़े लंबे अत्याचार की कोई मिसाल नहीं है। लेकिन इसके बाद भी धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धन्य है वो महापुरुष जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जहां इससे बड़ा अत्याचार कोई नहीं है, वहां इससे बड़ा कोई सब्र नहीं है। इसके बाद भी आप सब्र करने के बाद भी लगातार अत्याचार जारी रहा। 13 सालों तक अत्याचार सहने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वतन छोड़ दिया, मक्का से मदीना चले गए। लेकिन शैतान तो शैतान, उसने वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में एक ही रास्ता बचा युद्ध का। सारे रास्ते बंद हो गए, बातचीत के सारे प्रयास जब विफल हो गए, तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में परमेश्वर का आदेश आया था जंग करने के लिए, वैसे कुरान मजीद के सूरा 22 आयत 39 में आदेश आया कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़े, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन जो सत्य धर्म होता है वो अन्याय नहीं करता, अत्याचार नहीं करता।
ये जो असत्य, अन्याय और अत्याचार, आतंकवाद के रोकने के लिए जो युद्ध का आदेश आया, इसको मर्यादा में बांध दिया गया। सूरा 2 आयत 190 में कहा, अल्लाह का आदेश मौजूद था कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में लड़ो, मगर जाति न करना, कि खुदा जाति करने वालों को नापसंद करता है। किस तरीके की जाति? यानी निर्दोषों का कत्ल न करना। सूरा 5 आयत 32 में है कि जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारी इंसानियत को जीवन प्रदान किया। दूसरा, कोई भी इबादत खाना जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता हो वो मत तोड़ना। सूरा 22 आयत 39 हम अभी हमने सुनाया कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़े, क्योंकि उनके साथ जुर्म हो रहा है। लेकिन 40वीं आयत कैसी है? 40वीं आयत है सूरा 22 की 40वीं आयत, अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से न हटाता रहता तो राहिबों के पूजा घर और ईसाइयों के गिरजे और मुसलमानों की मस्जिदें और यहूदियों के इबादत खाने जिनमें अल्लाह का बहुत सा नाम लिया जाता है गिराई जा चुकी होती। यानी कि अल्लाह को नापसंद है कि कोई भी इबादत खाना जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता हो गिराया जाए। फिर कैसे कहा जाता है कि मुसलमानों ने मंदिर गिराए? कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा मंदिर जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता हो, जो शुद्ध रहा हो, जो पवित्र रहा हो, उसको मुसलमानों ने कभी नहीं गिराया। इस्लाम ने, अल्लाह ने कभी भी इस तरीके की इजाजत नहीं दी। और मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं कि अल्लाह के जो ये आदेश हैं, इनको मानने के लिए कोई मुसलमान मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इनको मानने के लिए बात है। हर हाल में अल्लाह के इन आदेशों को एक मुसलमान को मानना ही है। तो अल्लाह के इन आदेशों को मानने की बाध्यता के साथ एक सच्चा मुसलमान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ा झूठ है, इतिहास का झूठ। और इतिहास का झूठ ये किस लिए लिखा गया? अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए झूठा इतिहास लिखा, कि इस इतिहास को पढ़ करके हिंदू बच्चे इस्लाम के प्रति नेगेटिव थॉट्स रखें और मुसलमानों से दूर रहें और अपना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से हुकूमत करते रहें, इसलिए गलत इतिहास लिखाया गया। हजरत मोहम्मद मैंने साथ में यह भी देखा कि जो भलाई और अहिंसा का संदेश सनातन वैदिक धर्म में है, ठीक वैसा ही इस्लाम में भलाई और अहिंसा का संदेश दिया गया है। अब समय कम है, इसलिए हम सनातन वैदिक धर्म के बारे की चीजें नहीं बताएंगे। हम अपने हिंदू भाइयों को, जो गैर मुस्लिम भाई हैं, जो बिरादराने वतन हैं, उनको इस्लाम के बारे में बता देना चाहते हैं कि इस्लाम के बारे में ही गलतफहमी फैलाई गई है पूरी दुनिया में एक साजिश के तहत। तो ये भलाई और अहिंसा का संदेश इस्लाम में क्या है, कुछ आयतें मैं बताऊंगा। सूरा 28 की आयत नंबर 77 में है, और दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती में फसाद न चाहो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को नापसंद करता है। सूरा 28 आयत नंबर 83 इससे भी ऊंची आयत है, उसमें है कि अल्लाह वादा करता है कि हम परलोक यानी आखिरत यानी जन्नत का घर उन लोगों के लिए खास कर देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। कितनी बड़ी चीज है, जो धरती में जुल्म और फसाद का इरादा नहीं कर रखते उनके लिए अल्लाह कहता है कि हम उनको जन्नत में घर खास तौर पर देंगे। इससे भी अच्छी आयत, उससे भी ऊंची आयत, जिसकी कोई मिसाल नहीं है दुनिया के किसी भी धर्म में, वो है सूरा 41 की आयत नंबर 34। इसमें अल्लाह ने कहा है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। यानी किसी की कठोर बात का कठोरता से जवाब देने की मनाही है इस्लाम में।
यह है इस्लाम की अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा। न मन से किसी को कष्ट पहुंचाओ, न वचन से पहुंचाओ और न कर्म से पहुंचाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन पर यह आयत उतरी, यह आयत उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई और दिल से आपके कर्मों में उतर गई। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से जाते थे, उस रास्ते में एक मकान से एक बूढ़ी बुढ़िया माई आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, रोज कूड़ा फेंकती थी। एक दिन जब कूड़ा नहीं फेंका, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई। आप ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद आपने आवाज दी, माई उसने देखा, पूछा कौन? जब आपने बताया कि मैं, तो उसने कहा और आपने कहा कि माई मैं ये देखने आया कि तुम बीमार तो नहीं हो गई, आज तुमने हमारे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका तो मुझे लगा कि कहीं बीमार तो नहीं हो गई हो। वो बुढ़िया रोने लगी, कहने लगी अरे मोहम्मद आप कितने अच्छे हो, मैं आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल चाल लेने आए हो और अंतिम समय में आखिरी समय में वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनुयायी हो गई, वो मुसलमान बन गई। ये है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब तुम्हारा गहरा दोस्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया को, वो बुढ़िया माई को अपना बना लिया। ये थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की सूरा 7 आयत नंबर 199 में है अल्लाह का आदेश है, ऐ मोहम्मद क्षमा की नीति अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। अज्ञानियों से किनारा करने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना चले गए, क्योंकि अज्ञानी ये समझेंगे नहीं, बाद में समझेंगे, थोड़े समय के लिए आप वहां से चले गए। और क्षमा की नीति, आप क्षमा के साक्षात मूर्ति थे। एक बार एक गैर मुस्लिम अपने दो ऊंटों के साथ आपके पास आया और कहे बड़ी बदतमीजी से बोला कि ऐ मोहम्मद ये जो तुम्हारे पास जो ये माल है न तुम्हारा है न तुम्हारे बाप का, ये माल मेरे इन ऊंटों में लाद दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्षमा की मूर्ति, आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया, आपने हंसकर कहा कि ये बताओ, आपने हंसकर कहा कि ये माल न मेरा है और न किसी का है, ये अल्लाह का है। अच्छा ये बताओ कि तुमने जिस तरीके से बात की क्या तुम डरे नहीं, तुमको कोई खौफ नहीं आया? कहने लगा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने पूछा क्यों? उसने कहा मुझे विश्वास है कि तुम बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरोधियों को भी विश्वास था कि वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। पूरा का पूरा अपने कर्मों में उतार चुके थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए वो इतने विश्वसनीय थे लोगों के बीच। आखिर में आपने हंस करके उसके एक ऊंट पर जौ और एक ऊंट पर खजूर लदवा दिए। ये थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज के मुसलमान कैसे हैं? उनमें से कुछ मुसलमानों का अखलाक ऐसा है जो आपके अखलाक से ठीक उल्टा है। मैं इलाहाबाद में इसी कपड़े में एक दिन जा रहा था, एक मेरे दोस्त थे, मेरे साथ पढ़ते थे, सैयद इकराम हुसैन साहब, वो हापुड़ में नौकरी करते थे, रेलवे में वो आए थे। तो उन्होंने फोन किया, स्वामी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा मैं इस जानसनगंज मोहल्ले में हूं, मैं आ जाता हूं, सब्जी मंडी में रहते थे, जानसनगंज के बगल में सब्जी मंडी है। मैं उनकी तरफ जब मुड़ा तो एक गली है अब शाहगंज सब्जी मंडी में, वो अब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो गई है, उसमें आगे चलकर के सौदागर की मस्जिद आज भी है, पड़ती सौदागर की मस्जिद के सामने चूड़ी की दुकान थी, ऊपर छज्जे पर एक मुस्लिम सज्जन एक कांच के गिलास में कुल्ली कर रहे थे। मैं इन्हीं कपड़ों में था, थोड़ी दूर एक 50 गज दूर रह गया, उन्होंने हमको देखा, हमने उनको देखा और जब थोड़ा और नजदीक गया तो उन्होंने कुल्ली करना रोक दिया। मैंने सोचा कि इन्होंने इसलिए रोक दिया है कि कुल्ला थूकेंगे तो छींट पड़ जाएगी। और सौदागर की मस्जिद यानी उन्हीं के मकान के ठीक बगल से ऊंचाई से रास्ता था सैयद इकराम हुसैन के घर जाने का। तो जैसे ही मैं उधर से मुड़ा उसके नीचे आया, उन्होंने मेरे ऊपर पूरा थूक दिया।
वो पान की कुल्ली थी, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। मैं इकराम हुसैन के यहाँ गया, वहां से मुश्किल से 200-300 मीटर दूर उनका घर था। हमने इकराम को आवाज दी, हमने कहा इकराम पानी ले आओ, तो वो आए, कहने लगा ये वो हमको त्रिपाठी जी कहते थे, त्रिपाठी जी ये कैसे हो गया। मैंने कहा कि ऐसा है, वो सौदागर की मस्जिद के सामने जो चूड़ी की दुकान है ऊपर उन्होंने कहा कि आपने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा अगर मार खाना होता तो कहते, इसीलिए तो उन्होंने कहा किया था। तो कहने का मतलब ये कि एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली का हाल चाल लेने गए, और दूसरे वो सज्जन जिन्होंने मुझे ये समझ करके कि गैर मुसलमान है मेरे ऊपर पान का कुल्ली थूक दी। तो ऐसे लोग नादानी से ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। पहले मैंने जरूर ये समझा था कि यही इस्लाम है, इन्हीं मैंने बताया कि कुछ लोगों के अखलाक की वजह से द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म लिखी थी, मैंने सोचा था ये इस्लाम है। लेकिन जब वास्तविक इस्लाम को जाना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना, जब कुरान को जाना, जब हदीसों को पढ़ा, तो मुझे उन पर दया आई, उन सज्जन पर, कि वो इस्लाम को नहीं जानते। ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी दोनों के खिलाफ काम करते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी कथनी और करनी के हिसाब से अगर दुनिया चले तो सारी दुनिया में अमन चैन हो जाए, इससे बड़ा सत्य धर्म, इससे बड़ी इंसानियत और कोई हो ही नहीं सकती। जितनी की बड़ी इंसानियत इस्लाम में मौजूद है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी में मौजूद है। एक बार मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं कि एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सज्जन ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों के लिए बद्दुआ कीजिए और उन पर लानत भेजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने किसी के लिए बद्दुआ देने के लिए, किसी पर लानत भेजने के लिए नहीं भेजा, रहमत के लिए भेजा है। और कुरान मजीद में अल्लाह का आदेश मौजूद था। कुरान मजीद की सूरा 21 आयत नंबर 107 में है कि ऐ मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, केवल मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए रहमत यानी दयालु बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को अपने कर्मों में उतार चुके थे, उसी के हिसाब से चल रहे थे। उन्होंने आपने फरमाया कि मुझे किसी के लिए बद्दुआ देने के लिए, किसी के लिए लानत भेजने के लिए नहीं, बल्कि दया के लिए भेजा गया है। एक बार एक आपने फरमाया कि अपने भाई के लिए चाहे वो जालिम हो या अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। आपसे पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मेरा भाई मजलूम है तो हम उसकी मदद करना जानते हैं, लेकिन अगर वो जालिम हो जाए तो किस तरीके से मदद करें, आप बताइए। आपका हुक्म है, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन बताइए कि किस तरीके से उसकी मदद करें। आपने फरमाया, उस जालिम के हाथ पकड़ लो, यानी उसको जुल्म करने से रोक लो।